नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। आरसीबी और लखनऊ के बीच में मुकाबला खेला गया, 181 रन बनाकर के 182 का लक्ष्य लखनऊ को मिला, जिसका पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम। केवल 20 ओवर में 163 रन बना सकी और 8 विकेट भी खो दिए। और इसी के साथ आरसीबी यानी कि बेंगलोर ने 18 रन से मैच जीत करके टॉप टू में अपनी जगह बना ली है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में जो 5 हीरो रहे, जो इस मुकाबले में शानदार खेल दिखाने में कामयाब रहे, उनमें सबसे पहले आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस रहे। फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो उन्होंने 64 गेंदों में 96 रनों की बड़ी पारी खेली। 150 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से फाफ डुप्लेसिस ने रन बनाए। और फाफ की बात करें तो उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी पारी में 11 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा बात करें बैटिंग लाइनअप की तो आरसीबी के लिए कोई भी खास कमाल नहीं कर पाया। लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी में जैसन होल्डर ने कमाल किया। जैसन होल्डर ने 4 ओवर में 25 रन देकर के 2 विकेट लिए और उनका इकोनॉमी मात्र 6.25 का रहा। जैसन होल्डर की बात करें तो जैसन होल्डर ने फाफ डुप्लेसिस का बड़ा विकेट लिया और उन्हें शतक बनाने से रोक दिया। इसके अलावा सूर्य प्रभुदेसाई को भी जैसन होल्डर ने 10 रन के निजी स्कोर पर उनके आउट किया। वहीं बात करें सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो उनके लिए एकमात्र खिलाड़ी जो हीरो रहा वो कुणाल पांड्या रहे। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए कुणाल पांड्या ने 28 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली। उन्होंने 5 चौके 2 छक्के लगाए और 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इसके अलावा बेंगलोर की तरफ से गेंदबाजी में सबसे बड़े हीरो और मैच के हीरो रहे जोश हेजलवुड। उन्होंने 4 ओवर कोटे के पूरे किए और 25 रन देकर के 4 विकेट लिए। जोश हेजलवुड का इकोनॉमी 6.25 का रहा। जोश हेजलवुड की बात करें तो उन्होंने क्विंटन डिकॉक को 3 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। वहीं मनीष पांडे को 6 रन के निजी स्कोर पर आउट किया और इसके अलावा आयुष बदोनी को 13 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। और साथ ही साथ मार्कस स्टोइनिस को भी उन्होंने बोल्ड आउट करके उनके 24 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। वहीं बात करें टीम के लिए हर्षल पटेल भी हीरो रहे। हालांकि थोड़े महंगे ज़रूर साबित हुए, लेकिन हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 47 रन देकर के 2 अहम विकेट लिए। हर्षल पटेल की बात करें तो उन्होंने अंत में जैसन होल्डर का विकेट लिया जो कि मैच जिता सकते थे। इसके अलावा हर्षल पटेल ने सबसे बड़ा विकेट कप्तान केएल राहुल का लिया, जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था। तो ऐसे में केएल राहुल को आउट करके उन्होंने पूरी तरीके से लखनऊ की टीम की कमर तोड़ दी। आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।